the Hamid Karzai International Airport in a suicide attack followed by firing at the Abbey Gate. इसमें कई लोगों की मौत हुई और 13 अमरीकी जवान मारे गए। काबुल एयरपोर्ट पर अब ये बड़ा धमाका हुआ है। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि आईएसआईएस कोई बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर कर सकता है। लोगों ने बाइडेन को ब्लेम किया कि अगर ट्रंप होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जो रियलिटी थी वो डू समथिंग दैट्स राइट वी आर talking to the Taliban and now we're negotiating with the Taliban. We'll see what happens. एक ट्वीट भी काफी ट्रेंड हो रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही ISIS को अफगानिस्तान के अंदर एयरलिफ्ट कर दिया था ताकि एक इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए। वैसे बुड्ढा इतना भी चूतिया नहीं लगता। अब सोचो इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतने वेपन्स के बाद, इतनी फौज 20 साल खर्च करने के बाद तालिबान को तालिबान से ही रिप्लेस कर देगा। We will not forgive. We will not forget. अरे तुम्हारी माँ का चदो। यार बुढ़ाओ को सच में बहुत गुस्सा आया। We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. लोगों ने कहा कि ये तो राजकुमार का डायलॉग है जानी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी। At the place we choose. गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। The moment of our choosing. खैर काफी मेम किया, लेकिन he actually did it. अमेरिका ने अपने सारे लोगों को निकालने के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। ISIS के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से बमबारी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में अमेरिका की ओर से ये बड़ा एक्शन किया।